हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इन्फीमियम और सुपीमियम की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि सुपीमियम और इन्फीमियम होता क्या है। अगर आपने वो लेक्चर हमारा नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को अच्छे से देखें। अब बेटा, इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे को सेट दिया गया है वो दिया गया है कि 1/n और n बिलोंग कर रहा है नेक्स्ट रूल में। तो बेटा, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इसके कुछ एलिमेंट्स लिख लेने हैं। जब आप n को 1 पुट करोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 1, फिर आएगा 1/2, देन 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6। तो ये ऐसे ही हमारा जो सेट है वो चलता रहेगा। तो आप देखिए, इसमें से सबसे पहले हम उसके अपर बाउंड्स देखते हैं। यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो पड़ा है वो पड़ा है हमारे पास 1। तो डैट मीन्स 1 के बाद जितने भी हमारे पास इसके नंबर्स आ जाएंगे, दैट इज़ अगर हम करें 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो ये जितना भी मेरे पास ये सेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड्स हो जाएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड। बट हमारे को लीस्ट अपर बाउंड चाहिए, दैट इज़ सबसे छोटा अपर बाउंड। तो इसका वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। दैट मीन्स इसका हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड जो है वो आ जाएगा 1। अब हमारे को इसका लोअर बाउंड चाहिए बेटा। तो देखिए, सबसे पहले ये 1/6, 1/7 है ना। जैसे मैं n को एक बहुत ही लार्ज नंबर पुट कर दूँ यहाँ पे, डैट इज़ n में अगर अपना 1000 ले लेता, तो मेरे पास 1/n की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, 1/1000। मतलब कि जैसे जैसे n जो है मेरे पास, तो वो इंक्रीज़ करता जाएगा, 1/n की जो वैल्यू आपकी वो ज़ीरो की ओर बढ़ती जाएगी। डैट इज़ जैसे जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे n जो है मेरे पास वो इन्फिनिटी की ओर बढ़ता जा रहा है, और 1/n की वैल्यू जो है आपकी वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। तो डैट मीन्स हम ज़ीरो की अप्रोच कर रहे हैं, बट ज़ीरो कभी भी इसमें नहीं आएगा। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ज़ीरो से नीचे जो ये नंबर है वो नहीं जाने वाला, ज़ीरो के नज़दीक रहेगा। तो डैट मीन्स इसके जितने भी लोअर बाउंड्स रहेंगे, तो अब लोअर बाउंड में मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी, ये सारे के सारे उसके क्या रहेंगे, लोअर बाउंड्स। और सबसे बड़ा लोअर बाउंड आपके पास क्या रहेगा, ज़ीरो। तो डैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो आ गया ज़ीरो, और लीस्ट अपर बाउंड जो है वो आपके पास आ गया 1 आ गया। अब देखिए, बिल्कुल सेम एग्जांपल है हमारे पास 1/4n। इसके भी अगर आप कुछ एलिमेंट्स लिखना चाहेंगे तो आपको वो मिलेंगे, 1/4, 1/8 एंड 1/12, ऐसे ही। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा मेरे पास 1/4 पड़ा है, और ये 1/4 ही मेरे पास क्या बन जाएगा, उसका लोएस्ट अपर बाउंड, क्योंकि 1/4 से बड़ा तो कोई एलिमेंट होगा नहीं यहाँ से, और 1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे उसके क्या रहेंगे, हमारे पास अपर बाउंड्स रहेंगे। तो सबसे छोटा अपर बाउंड मेरे पास क्या रहेगा, 1/4। अब उसी तरह से बेटा, इसकी जो ये वैल्यू है बच्चों, वो इन्फिनिटी की ओर बढ़ती जाएगी, और इन्फिनिटी की मतलब कि ज़ीरो की ओर बढ़ती जाएगी। जब एन इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो 1/4n की वैल्यू ज़ीरो की तरफ बढ़ेगी। तो फिर से हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। अब इस वाले सेट को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, जब आप n को 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पास क्या मिलेगा, ज़ीरो। फिर अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ से, तो आपके पास मिलेगा 1/2। फिर आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज़ 1-1/3, वो आ जाएगा आपके पास 2/3। फिर अगर आप इसको 4 आपको 4 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/4 एंड सो ऑन। तो बेटा, इसमें सबसे पहले हमारे को सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो ज़ीरो मिल गया। तो डैट मीन्स ये इसका एक लोअर बाउंड रहेगा। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है एलिमेंट का, वो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड। ये आपके पास एक लोअर बाउंड मिला ना, तो GL भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके पास ज़ीरो। अब अभी भी हम इसको नहीं देख सकते, ध्यान से देखिए, ये ज़ीरो है, ये 1/2 है, 2/3, 3/4 ऐसे जा रहा है। पहले इसके एलिमेंट्स को निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हमने ये किया था कि जब मेरे पास 1/n जो मेरे पास ये n की वैल्यू है, अगर वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करती है,
तो 1/n की वैल्यू किसकी ओर अप्रोच करेगी, ज़ीरो की तरफ। और यहाँ से जब n हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 1/n ज़ीरो की तरफ जाएगा, और -1/n भी आपका ज़ीरो की तरफ जाएगा, और 1 -1/n किसकी तरफ जाएगा आपके पास, 1 की तरफ। 1 इसमें ऐड कर दोगे दोनों तरफ तो ये अप्रोच करेगा 1 की तरफ। मतलब कि जो ये वैल्यू है मेरे पास वो किसकी ओर बढ़ती जा रही है, आपकी 1 की ओर बढ़ती जा रही है। तो डैट मीन्स यहाँ से मेरे को ये पता चल गया कि 0 जो एलिमेंट है वो उसका एक लोअर बाउंड होने वाला है, और 1 जो है आपके पास वो क्या मिलने वाला है, एक अपर बाउंड मिलने वाला है। तो ये अपर बाउंड रहा, ये हमारा लोअर बाउंड रहा। ये अपर बाउंड है तो ये हमारा सबसे लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा, ये हमारे पास एक लोअर बाउंड है तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा। तो मीन्स इस केस में बच्चों हमारे पास जो जी एल वी रहेगा वो आपके पास रहेगा 0, और लीस्ट अपर बाउंड जो रहेगा आपके पास वो रहेगा बच्चों 1 रहेगा। यहाँ से बस आपको जैसे ये 1/n आ जाता है ना, तो आपको उसका बिहेवियर देखना होता है कि एलिमेंट्स कहाँ पे जा रहे हैं। अब देखिए जैसे कि मेरे पास एक नया सेट ये पड़ा है, अब इसमें जब मैं इनको 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ से 2, फिर अगर मैं इनको 2 सब्स्टिट्यूट कर दूँगा यहाँ पे तो मेरे को मिल जाएगा 3/2, फिर उसी तरह से 4/3 एंड सो ऑन। अब फिर से देखिए हमारे को इसका नेचर देखते हैं, जब n मेरे पास इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो 1/n मेरा 0 की ओर बढ़ेगा, और 1 + 1/n जो है वो आपका बढ़ेगा 1 की ओर। मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इस केस में मेरे पास जो उसका एक लोअर बाउंड आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 1, और यहाँ से अपर बाउंड जो है आपके पास वो आ जाएगा 2, और यही मेरे पास क्या बन जाएंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। तो इस केस में आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके पास आ जाएगा 1, और लीस्ट अपर बाउंड जो है वो आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब बच्चों आगे देखिए, आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब हमें फिर से इन चार सेट्स का ग्रेटेस्ट एलयूबी एंड जीएलबी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये रियल में दिया हुआ है हमें, और ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक इंटरवल दिया गया है -1 एंड 3। तो बेटा जब भी हमारे पास इस तरह का इंटरवल आ जाता है, जो भी इसका ये एंड पॉइंट होता है वो हमेशा क्या बन जाता है हमारे पास, उसका एक एलयूबी, और ये वाला क्या बन जाता है, उसका जीएलबी। तो यहाँ से हमारे पास इसका अपर बाउंड दैट इज लीस्ट अपर बाउंड जो रहेगा आपके पास वो 3 आ जाएगा, और आपके पास लोअर बाउंड की बात करेंगे दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके पास आ जाएगा -1। अब फिर से हमारे पास देखिए ये इंटरवल दिया गया है, बट यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ जाता है, क्लोज्ड, चाहे ये ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो। तो इस केसेस में हमेशा ही हमारे पास अपर बाउंड की बात करेंगे 4, और यही मेरे पास लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा, और अगर हम लोअर बाउंड की बात करेंगे तो एक 1 मिल रहा है, और यही हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा। अब इस वाले सेट में देखिए ध्यान से, अब ये 2^n है, तो फिर से हम इसके कुछ एलिमेंट्स निकाल दें, तो ये बन जाएगा 2 2² 2³ 2^4 2^5। दैट इज, अब देखिए बच्चों जो ये सेट है मेरे पास वो एक अनबाउंडेड अबोव है, ये सेट जो है वो एक अनबाउंडेड है अबोव, तो इसका मेरे को कोई भी अपर बाउंड है वो नहीं मिलने वाला, डैट मीन्स उसका मेरे को लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं मिलेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, और यहाँ से मेरे को एक उसका लोअर बाउंड मिल रहा है जो है 2, और वही उसका क्या बन जाएगा, आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा। अगर ये सेट मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता है ना, तो वो मेरे पास अनबाउंडेड बिलो हो जाता, तो उस केस में मेरे पास लोअर बाउंड मेरे को कोई नहीं मिलता, तो डैट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो इसका अपर बाउंड है वो आपको -2 मिलता, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड जो है आपका वो -2 आ जाता। अब देखिए ये वाला सेट इंपॉर्टेंट है, अब इसमें ना आपको इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब भी बेटा हमारे पास n ऊपर और नीचे पावर्स में पड़े होते हैं, अब जितनी दोनों की हाईएस्ट पावर होती है, जैसे यहाँ पर n है और n है, इन दोनों में से हमारे को n की हाईएस्ट पावर देखनी होती है और उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ आप ऐसे n कॉमन ले लो, तो यहाँ से अगर मैं n को कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 3 प्लस
टू बाई एन, और यहाँ से भी अगर मैं n को कॉमन लूँगा तो वो बन जाएगा 2 प्लस 1 बाई एन। तो n से n मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर में है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 बाई एन, और ये बन जाएगा 2 प्लस 1 बाई एन। तो सबसे पहले मैं इनको 1 सब्सिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, और इसकी कोई वैल्यू निकालता हूँ। जब मैंने इनको 1 सब्सिट्यूट किया तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 बाई 3। और आगे का जो भी इसका बिहेवियर रहेगा वो आपको देखना है। अब देखिए, जब भी n मेरे पास इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 2 बाई एन मेरे पास 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और 1 बाई एन भी मेरे पास किसकी अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। मतलब कि जब भी मेरे पास n इन्फिनिटी की ओर बढ़ता जा रहा है तो जो ये नंबर रहेगा मेरे पास वो किसकी ओर बढ़ता जाएगा, 3/2 की ओर। तो आपको ये इसके ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट एलिमेंट है इस सेट के, वो आपके पास आ गए। अब देखिए, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास 1.5, और इसकी जो वैल्यू रहेगी आपके पास वो रहेगी 3 1 3 एंड 2 0 6 3 18। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी आपके पास 1.6। तो ये वैल्यू आपकी ज़्यादा रहेगी, सॉरी कम है 1.5, तो मीन्स ये मेरे पास एक लोअर बाउंड रहेगा, और यही मेरे पास क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ये आपके पास जो अपर बाउंड है वो रहेगा 1.6, और यही बन जाएगा आपका लीस्ट अपर बाउंड। तो बेटा, अब इन छोटे छोटे इजी से आपके क्वेश्चन है, आपको आइडिया होना चाहिए कैसे हमने सेट्स को डील करना है, क्योंकि सेट ही हमारे को आगे काम में आएगा कि उसके अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है ना, वो बाउंडेड अबोव है, अनबाउंडेड बिलो है, या दोनों तरफ उसके बाउंड लगे पड़े हैं, तो उसको कैसे निकाला जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्फीमियम एंड सुप्रीमियम का, जो आपका रियल एनालिसिस में टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलता रहेगा। और बच्चों, अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अब ग्रेजुएशन का फुल कोर्स जो है आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सीरियल ऑर्डर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा।